कन्या का विवाह करेंगे तो भारत छोड़ कर लेंगे। आप लड़की 3-4 साल की हुई बस सहेली के सामने घूम चुकी है, सेठ जी कन्या को विवाह कर देंगे बड़े प्रसन्न, दूध को आज्ञा, दूध कांचन नाम शरण में जाते हैं, वहां से महाराज आप अपनी कन्या का विवाह संस्कार बन के साधन कर लीजिए। साकार वैवाहिक विधि से कन्यादान की विधि से अपनी कन्या का विवाह संस्कार बड़ी पुत्र के साथ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान विष्णु के उत्तम व्रत उत्तम कथा को नहीं किया। उन्होंने कहा चलो बलाटल की क्या कथा करनी, कथा में एक चेतावनी दी गई भैया हम लोगों को कि जो आदमी माता पिता पत्नी और भगवान को धोखा देता है, भगवान के नाम पर कंजूसी करता है, वह इंसान एक दिन फिर धोखा खा जाता है। सेठ जी पत्नी को भी धोखा देते रहे, भगवान को भी धोखा देते रहे और भगवान के नाम पर भी कंजूसी करते रहे। तत्पश्चात क्लावती नाम कन्या पिता के घर में बड़ी हुई, वह 3 साल की बस पहुँचती है, सेठ जी कन्या को भगवती बड़े प्रसन्न, दूध को आज्ञा, दूध कांचन नामक शरण जाते हैं, महाराज